क्या आपको पता है आईफिल टावर कभी येलो कलर का था? जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया में बनाई गई आज तक की सबसे मशहूर स्ट्रक्चर के बारे में। हम बात करने वाले हैं आईफिल टावर की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आईफिल टावर आयरन से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसे 1889 में पेरिस फ्रांस में सेन नदी के किनारे बनाया गया था। इसका नाम इसे डिजाइन करने वाली कंपनी के मालिक गुस्ताव एल्विस के नाम पर रखा गया है। इसे 1887 में बनाना स्टार्ट किया गया था जिसे उस टाइम होने वाले वर्ल्ड फेयर की एंट्री के रूप में बनाया गया था और इसे कंप्लीट होने में 2 साल लग गए थे। स्टार्टिंग में इसके डिजाइन के लेकर इसे काफी बुरा भला बोला गया, लेकिन बाद में ये दुनिया भर में फ्रांस के लिए पहचान बन गई और दुनिया में जाने जाने वाली ये सबसे मशहूर स्ट्रक्चर भी बनी। ये दुनिया की सबसे ज्यादा विजिटर्स द्वारा कमाई करने वाली स्ट्रक्चर भी है जहां हर दिन 25,000 तक लोग आते हैं। आईफिल टावर की हाइट 324 मीटर्स तक है जो लगभग 80 मंजिला इमारत जितनी है, जिससे ये पेरिस की सबसे ऊंची स्ट्रक्चर बन जाती है। बनने के बाद ये 41 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी रही। ये हर एक साइड से 124 मीटर जितनी है जिसमें 3 लेवल्स हैं, जिसमें से पहले और दूसरे लेवल पर रेस्टोरेंट्स हैं और सबसे ऊपर वाला लेवल ग्राउंड लेवल से 276 मीटर इतना ऊंचा है। टावर के ऊपर जाने के लिए टिकट्स खरीदने पड़ते हैं, चाहे वो सीढ़ियों के लिए हो या लिफ्ट्स के लिए। फर्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए 300 स्टेप्स हैं और सेकेंड लेवल तक के लिए और 404 स्टेप्स। थर्ड लेवल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ होने के बावजूद ऊपर केवल लिफ्ट से जाया जा सकता है। ऊपर जाने के लिए टावर्स के 3 लेग्स में 3 लिफ्ट्स लगाए गए हैं। पहले सबसे ऊपर वाले लेवल पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेबोरेटरीज थे और एक छोटा सा अपार्टमेंट भी था जिसमें गुस्ताव आईफिल रहते थे। इसे अभी पब्लिक के लिए ओपन रखा गया है। टावर में लिफ्ट लगने के बाद से ही काफी बार चेंज किया गया है। लिफ्ट को एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में 8 मिनट 50 सेकेंड लग जाते हैं। टावर पर 72 फ्रेंच साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और मैथमेटिशियंस के नाम भी हैं जिसे गुस्ताव आईफिल ने लिखवाया था। टावर को टोटल 18,038 आयरन पीसेस से बनाया गया है जिन्हें 25 लाख रेविट्स से जोड़ा गया था, जिससे पूरे आयरन स्ट्रक्चर का वजन 10,100 टन्स तक हो जाता है। आईफिल टावर को केवल 20 साल तक के परमिट पर ही बनाया गया था जिसे 1909 में हटाया जाना था, लेकिन बाद में इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर इसे ऐसे ही रहने दिया गया। जब ये बनकर तैयार हुई तब इसका रंग रेडिश ब्राउन था जिसे ऑलमोस्ट 10 साल बाद येलो कर दिया गया। बाद में इसे और कलर्स में भी बदला गया था, लेकिन 1968 से इसे ब्राउन कलर के 3 सेट्स में ही पेंट किया जा रहा है। सबसे नीचे गहरा ब्राउन कलर जो ऊपर जाते जाते हल्का होता जाता है। हर 7 साल में इसे जंग लगने से बचाने के लिए और नया दिखने के लिए पेंट किया जाता है, जिसमें 60 टन्स पेंट का यूज होता है। अभी तक आईफिल टावर को 19 बार पेंट किया जा चुका है, जिसमें अभी तक ऑलमोस्ट 25 करोड़ लोग विजिट कर चुके हैं। इसे तब के टाइम में बनाने में ऑलमोस्ट 11 करोड़ रुपए लगे थे, जो अभी के हिसाब से 300 करोड़ रुपए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही किसी दिलचस्प बिल्डिंग के बारे में जानेंगे।